सिटी न्यूज के प्रायोजक है ऑरेंज वैली स्कूल। नमस्कार, मैं दिव्यांश भारद्वाज। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के कुछ सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। जेल की एक महिला बंदी ने कारा अधीक्षक पर यौन शोषण के लिए दबाव बनाने का लगाया आरोप, डीएम ने जांच कर दिया आदेश। जिले में धूमधाम से मनाई गई संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती। और गर्मी के शुरुआती दौर में ही ब्रह्मपुरा के कृष्णा टोली इलाके में पेयजल संकट बढ़ने से लोग परेशान। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कारा में बंद महिला बंदी ने काराधीक्षक पर यौन संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। एक आपराधिक मामले को लेकर केंद्रीय कारा में बंद एक महिला बंदी ने पीएमओ को पत्र लिखकर सनसनी फैला दी है। पीएमओ को लिखे गए पत्र में महिला बंदी ने स्थानीय खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में अधीक्षक पर यौन शोषण के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। महिला के इस आरोप के बाद पीएमओ द्वारा मुजफ्फरपुर के डीएम को इस आशय से संबंधित दी गई जानकारी के बाद डीएम ने इस मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय जांच टीम का गठन कर दिया है। जेल में उस समय थे, नीचे करो। उनके द्वारा एक परिवाद दिया गया, गंभीर आरोप कारा के पदाधिकारियों पर लगाए गए, जिसकी जांच के लिए एक 5 सदस्यीय टीम डीपीओ आईसीडीएस की अध्यक्षता में गठित की गई है, जो अपनी जांच करके रिपोर्ट समर्पित करेगी। रिपोर्ट गोपनीय है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं दिया सकता। मैं इतना ही कहूँगा कि प्रशासन की ओर से निष्पक्ष रूप से संपूर्ण मामले की तहकीकात की जाएगी, और जो भी इससे निकलेगा और यदि पाया जाएगा कि कारा के पदाधिकारी या कर्मीगण दोषी हैं, तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चार्जेस वगैरह कुछ एलिगेशंस का कुछ भाई अपना कुछ सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड मैं पूरा डिटेल आपको बताना नहीं चाहूँगी, क्योंकि इसमें जाँच चल रही है। आरोप गंभीर है और गंभीर आरोप के मद्देनज़र जो 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जिसमें कि महिला पदाधिकारी डीपीओ आईसीडीएस की अध्यक्षता कर रही है, अपेक्षा है कि रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत इस संबंध में कुछ फर्दर कहा जा सके। महिला के द्वारा उसे इनकार किया जा रहा है कि उसके नाम से गलत आधिकारिक रूप से हमको ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि हमको प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र उपलब्ध कराया गया था विभाग के द्वारा, तो तत्काल रूप से परिवाद प्राप्त होते ही इसमें कार्रवाई की गई। महिला के द्वारा यदि इसका खंडन किया जाता है तो पूरी तरीके से जांच का विषय और जांच पदाधिकारियों की रिपोर्ट आने के उपरांत ही इस संबंध में फर्दर कुछ कहा जा सकता है। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के संजय सिनेमा ओवरब्रिज के समीप एक यात्री बस की ठोकर से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के संजय सिनेमा ओवरब्रिज के पास एक यात्री बस द्वारा ठोकर मार दिए जाने से बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों घायल युवकों को इलाज के लिए SKMCH भेज दिया। जो ब्रिज है ना, रेलवे ब्रिज, वहीं पे उधर से आ रहे थे भगवानपुर से, इधर मतलब चांदनी चौक बढ़िया के ऊपर रहे थे, इधर से कुछ वाला ओवरटेक कर रहा था, भूमि से उड़ा दिया। रविवार को नगर के कई स्थानों पर समारोह आयोजित कर संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती मनाई गई। पूरे जिले में रविवार को संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। समरणालय परिसर स्थित अंबेडकर पार्क में अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के तत्वाधान में आयोजित अंबेडकर जयंती समारोह का उद्घाटन प्रमंडलीय आयुक्त नर्मदेश्वर लाल, डीएम आलोक रंजन घोष सहित अन्य अतिथियों ने किया। कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों द्वारा बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इसके पश्चात संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा आगत अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों ने बाबा साहेब के व्यक्तित्व और उनके जीवन संघर्ष पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये जयंती तो मनाई गई इसलिए बाबा भीमराव अम्बेडकर के विचारों का स्मरण किया गया और इसको अनुकरण करने का प्रण लिया गया, और साथ में इस मौके पर चुनाव में कि 6 और 12 तारीख को मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर लोकसभा, इसमें अधिक से अधिक लोग मतदान करें।
उधर चांदनी चौक स्थित एक विद्यालय परिसर में राजद कार्यकर्ताओं ने भी बाबा साहेब की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर राजद के नेताओं ने संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती देश भर में लोग मना रहे हैं। बाबा साहेब की अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं तो हम लोग उनके द्वारा जो संघर्ष किया गया, जो छुआछूत का जो अभिशाप हमारे देश के ऊपर था, उससे लड़ने का और उसको खत्म कराने के लिए उन्होंने आजीवन प्रयत्न किया। उधर तिलक मैदान स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में रविवार को अंबेडकर जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चप्पल जूते पहनकर ही भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी का 129वीं जयंती समारोह जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया। उनकी जीवनी बहुत संघर्षशील रहा। जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया वो बहुत गरीब परिवार में, महादलित परिवार में जन्म लिया, लेकिन जब उन्होंने थोड़ा होश में आए, जब दुनिया का स्थिति उनके सामने दिखाई देने लगा, उन्होंने संकल्प किया कि मुझे इस देश के संबंध में, देश के बारे में मुझे। मनोज वत्स को सीनेट सदस्य मनोनीत किए जाने पर रविवार को राष्ट्रीय रंग लोक मंच के सदस्यों ने मनोज वत्स का अभिनंदन किया। बिहार विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में राष्ट्रीय रंग लोक मंच द्वारा मनोज वत्स को सीनेट के सदस्य चुने जाने पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान रंग लोक मंच के सदस्यों ने मनोज वत्स को माला पहनाकर अभिनंदन किया। अभिनंदन समारोह में शहर के विद्वान शिक्षक छात्र और वरिष्ठ साहित्यकार शामिल हुए। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती माने आज जन्मदिन ही है और इस अवसर पर भी हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के सीनेट चुने जाने के लिए हमारे समाज से भी मनोज वत्स का अभिनंदन आज कर रहे हैं और हम लोग उनसे बहुत आशा करते हैं कि हमारे बिहार विश्वविद्यालय की जो अराजक स्थिति है उस पर वो पहल करेंगे और इस उद्देश्य से उनका अभिनंदन ही नहीं बल्कि एक हम उनको एक हम ये भी कहने जा रहे हैं कि इस अराजक स्थिति से बिहार विश्वविद्यालय को बचाने का प्रयास करेंगे और इसलिए हम लोग आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन भी मना रहे हैं और इस अवसर पर इस युवा कर्मठ और ईमानदार सीनेटर को अभिनंदन भी करने जा रहे हैं और हम इसके लिए हमारे बीच हमारे शहर के हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक छात्र सभी यहां उपस्थित हैं। अंबेडकर जयंती समारोह के मंच से प्रमंडलीय आयुक्त नर्मदेश्वर लाल ने आम लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर पहुंचे प्रमंडलीय आयुक्त ने आम लोगों से लोकसभा चुनाव में मतदान करने की अपील की। दरअसल समरणालय स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद प्रमंडलीय आयुक्त ने मतदाता को जागरूक करने के लिए आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोगों को मतदान करना चाहिए। प्रशासन की ओर से मतदान केंद्र पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। सूक्ष्म बिंदुओं पर भारत निर्वाचन आयोग की नजर है और प्रयास यही है कि कोई भी मतदाता वंचित नहीं रहे। कृपया बूथ पर आइए, अपना वोट जरूर डालिए और इस बार जो दिव्यांग मतदाता है उनके लिए भी विशेष अरेंजमेंट किया गया है, किसी तरह से उनको बूथ पर लाने का जिम्मेवारी भी जिला प्रशासन को दिया गया है। अगर दिव्यांग है, अगर नहीं आ सकते हैं बूथ पर, उनको भी लाना है, चाहे ट्राईसाइकिल देना हो, चाहे व्हील चेयर देना हो, चाहे गाड़ी देना, जिस तरह से भी है उनको बूथ पर लाने का जिम्मेवारी जिला प्रशासन को दिया गया। तो सोच लीजिए, जो दिव्यांग मतदाता के लिए भी आयोग इतना चिंतित है और उनको बूथ तक लाने का इतना प्रयास हो रहा है, तो हम लोग जो सक्षम आदमी है बूथ पर जाए, जरूर जाए और भारी संख्या में आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तभी हम लोग मजबूत जो लोकतंत्र बाबा साहब ने सपना देखा था और उनकी परिकल्पना के आधार पर ये जो भारत निर्वाचन आयोग बना है और जो भी कुछ है आप जितनी भी संस्थाएं देख रहे हैं तो सब संविधान की ही देन है। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट लीजिए, चाहे आप पार्लियामेंट लीजिए, चाहे कोई भी पद हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कमिश्नर।
हर चुनाव में कटरा और औराई क्षेत्र का चचरी पुल दल और नेताओं के लिए चुनावी मुद्दा बना रहता है, लेकिन क्षेत्र के लोगों के जीवन की गाड़ी आज भी चचरी पुल के भरोसे ही चल रही है। हर चुनाव में अधिकांश दल और नेता कटरा और औराई क्षेत्र की चचरी पुल को मुद्दा बनाकर लोगों से वोट मांगते रहे। इस इलाके की जनता दल और नेता पर भरोसा कर उन्हें वोट देती रही, परंतु इस क्षेत्र की जनता को चचरी की समस्या से आज तक मुक्ति नहीं मिली। आजादी के 70 साल से अधिक समय बीत गए, परंतु कटरा और औराई के लोगों के जिंदगी की गाड़ी आज भी चचरी पुल के भरोसे ही चल रही है। सिटी न्यूज संवाददाता सोनू शर्मा ने कैमरे की नजर से कटरा और औराई इलाके की बदहाल स्थिति का जायजा लिया। आइए देखते हैं चचरी के भरोसे कैसे इस इलाके के लोग अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में, और मैं हूँ सोनू शर्मा। आज हम आपको जिले के एक ऐसी क्षेत्र से अवगत कराएंगे जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस वक्त मौजूद हूँ जिले के औराई विधानसभा कटरा पंचायत में, और ये वो बसकट्टा पुल है जो कि लगभग 28 पंचायत को शहर से जोड़ती है, और आने जाने वाले को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ यहाँ कुछ स्थानीय मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि बाढ़ के समय क्या स्थिति रहती है। बाढ़ के समय बहुत दयनीय स्थिति रहती है इधर का। हम लोग आते जाते हैं तो उसके लिए 10 रुपया वहन करना पड़ता है, नाव से जाना पड़ता है, और बहुत परेशानियाँ हैं इधर आने जाने में। क्या लगता है, मतलब कब तक ये पुल बनेगा, कब तक सुधरेगा, क्या नेता लोगों का क्या कमिटमेंट रहता है? नेता लोग तो आते हैं और वादा करके चले जाते हैं, कुछ काम करते नहीं है, तो अब उनसे क्या किया जाए। हम तो सोचेंगे कि ये क्षेत्र का विकास हो, अच्छा कोई नेता हो, कर्मठ हो, जो आए और विकास करे, और जो पुल पुलिया बना है उसको अच्छा से बनाए। ये पुलिया जो है, ये पुलिया कब बना था? ये पुलिया 2013 में बना था और 14 में ध्वस्त हो गया था उद्घाटन से पहले। क्या लग रहा है, मतलब क्या लग रहा है आपको? हमको तो लग रहा है पुल अब कोई अच्छा नेता अभी उसको बनावे अच्छा से, यही। आज का जो युवा है, आप क्या नेता से या सरकार से क्या भरोसा? सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि इसको अच्छा से कोई भी, मतलब नेता आए तो अपने कर्मठ और जुझारूपन से अच्छा से, मतलब कोई का विकास करे, विकास करो, क्षेत्र को अच्छे से चमकाए। मेरे साथ यहाँ कुछ और ग्रामीण हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या दादा ये पुल जो था ये कब बना था? वही जैसे 12-13 में बना था, और 14-15 में मान के चलिए दोनों तीनों क्षेत्र जैसे गिर गया है। आखिर कारण क्या था गिरने का? अब गिरने का क्या कारण है, जो कि अब लेबर में कि ठेकेदार में गलती था जैसे ढालने में कि क्या, वो हम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी जो नेता लोग आते हैं तो आज हो जाएगा कल हो जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। हमें लोग का यही चाहिए कि जो कल हो आज हो, न तो इस टाइम वोट किसी का नहीं दिया जाएगा, ये क्या कहता है विधायक का या जैसे एम बी एल का, नहीं किसी का मिले। कितने ग्रामीणों को ये रास्ता जो है जिला से? अरे यहाँ कहाँ तक हम बताए बाबू, यहाँ तो जैसे 1920 पंचायत का जैसे क्षेत्र का आदमी आता जाता है, बैलगढ़ है, राजखंड है, ये सबको आदमी यही आता है, और आई भुगतान कर रहे, जमीन लिखाने, दुनिया दीवाना, हर हर में से इस बार आप लोग क्या मूड बनाए हुए, क्या प्लान किए हुए, किसको वोट देना है, नहीं देना है? अरे वोट तो ऐसे सारा जनता कह रहा है कि मोदी जी को देना है, लेकिन मोदी जी भी कर दिखाएंगे तब तो, नहीं कर दिखाएंगे तो ऐसे पानी में उनको दौड़ाएंगे तब वोट लेकर जाएंगे, और क्या है। इस एरिया में लगभग कितने चचरी पुल होंगे इसके जैसा? इसके अब तो हमारे अभी नजर में है 3, एक डुमरी, एक कटरा और एक बसघट्टा, 4 है, बस घट्टा भर में 2 है। तो ये थे यहाँ के ग्रामीण जो बता रहे थे कि इधर इधर ग्रामीणों को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है शहर जाने के लिए। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द ही हाजिर होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर प्लस 2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा,
सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अंगियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर हम आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फ्रॉम नर्सरी टू नाइन्थ फॉर द सेशन 2018-2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटर प्रूफ चूरा, चुंदरी 3 बूंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पाथ चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे, बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। 10 वर्षों में पहली बार 10 झूलों के साथ आपके शहर में फिर से एक बार धूम मचाने आ गया है डिज्नीलैंड मेला, ओरिएंट क्लब आमगोला मैदान में। इस वर्ष यूरोप का रोमांचक रेंजर झूला आया है आपके शहर में पहली बार। इसके अलावा ज्वाइंट व्हील, डोरा डोरा, ब्रेक डांस, स्टाई मून, ड्रैगन और वाटर पार्क के वोट के साथ ही बच्चों के रोमांचक झूलों के साथ आप अपने पूरे परिवार के साथ मेले का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और खाने पीने का मजा भी ले सकते हैं। तो यहां आना ना भूलें, रोजाना शाम 4 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक डिज्नीलैंड मेला, आमगोला, ओरियंट क्लब। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 7463884603, 9006877392, 8539857777।
आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITian, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मिल का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। यही मेंस में मुझे 98% डायल आया है, इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस का को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि LTs ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है, मुझे 95.49% डायल आया है जेई मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, इसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम निधि कुमारी है और जेई मेन 2019 में 94.6% डायल आया है, जिसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेई मेन 2019 में 94.3% डायल आया है। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा मतलब सपोर्ट रहा है। मैंने यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ के टीचर्स का जो सपोर्ट मिला, वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर पंकज मार्केट सरैयागंज या मिठनपुरा चौक मुजफ्फरपुर में। ऑरेंज वैली स्कूल प्ले ग्रुप टू स्टैंडर्ड 5 बीबीगंज मुजफ्फरपुर। हाई क्वालिटी एकेडमिक एनवायरनमेंट, क्वालिफाइड टीचर्स एंड वेल मैनेजमेंट। एंटायर स्कूल प्रेमिसेस इज वेल इक्विप्ड विद CCTV कैमरा, AC क्लासरूम, ऑडियो विजुअल एंड स्मार्ट क्लासेस, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, एक्सलेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, म्यूजिक, डांस, कराटे, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, इवेंट एंड फेस्टिवल सेलिब्रेशन, टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान ऑरेंज वैली स्कूल बीबीगंज मुजफ्फरपुर। ऑरेंज वैली स्कूल मुजफ्फरपुर शहर में नंबर 1 प्ले स्कूल तो हैं ही, साथ साथ यहाँ क्लासरूम से लेकर ट्रांसपोर्ट तक फुल्ली एयर कंडीशन है और 4 वर्षों का ही ये परिणाम है कि अभिभावकों का इतना विश्वास बढ़ गया है कि दूर दूर से बच्चे यहाँ नामांकन के लिए आ रहे हैं। इस वर्ष हम लोग लड़कियों के नामांकन में 50% की छूट दे रहे हैं। For more details, please contact 9122111938, 7296095790. ब्रेक के बाद फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गर्मी शुरू होते ही जलस्तर नीचे चले जाने से ब्रह्मपुरा के कृष्णा टोली मोहल्ले में जल संकट की समस्या उत्पन्न हो गई है। गर्मी के शुरुआती दौर में ही ब्रह्मपुरा कृष्णा टोली इलाके में भू जल स्तर नीचे चले जाने के कारण पूरे मोहल्ले में पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इलाके के कबीर मठ और आसपास के नल से पानी गिरना बंद हो गया है और कहीं नल से पानी भी आ रहा है तो वह गंदा है, जिससे कोई काम नहीं हो सकता। इलाके में जल संकट के कारण यहाँ के लोग भीषण गर्मी के बीच बड़ी परेशानी में पड़ गए हैं। वहीं पे आता है गली में जो पाइपलाइन आएगी उसमें नहीं आता है,
मतलब आता नहीं है या प्रेशर नहीं है? हाँ, प्रेशर नहीं है इसलिए नहीं है। दिक्कत होगा, आदमी मरेगा पानी में। मालीघाट स्थित आयुर्वेद कॉलेज में रविवार को आयुर्वेद परिषद जिला इकाई द्वारा सम्मेलन सह प्रमेय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। हिंदू नववर्ष के अवसर पर विश्व आयुर्वेदिक परिषद मुजफ्फरपुर जिला इकाई के द्वारा रविवार को मेहता कॉलोनी मालीघाट स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन सह प्रमेय परिचर्चा का आयोजन किया गया। धनवंतरी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम में संगठन की स्थिति पर चर्चा हुई। साथ ही आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने प्रमेय परिचर्चा के तहत उपस्थित लोगों को प्रमेय से बचाव की जानकारी दी। आयुर्वेद परिषद के तत्वाधान में मुजफ्फरपुर जिला इकाई की ओर से आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान पर, विशेषकर प्रमेह रोग पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें विविध स्थानों से आयुर्वेद के सामान्य विद्वान उपस्थित हैं और तदगत विषय पर अपना मंतव्य देंगे। 3-5 मई तक दुबई में आयोजित होने वाले कराटे चैंपियनशिप के लिए नगर के कराटे खिलाड़ी आदित्य राज का चयन किया गया है। 3-5 मई 2019 तक दुबई के सहबाब अल अहली स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में बुडोकॉन कप अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर भारत में ट्रायल आयोजित की गई है। इस ट्रायल प्रक्रिया में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के 13 वर्षीय आदित्य राज का 50 किलोग्राम में चयनित किया गया है। इस चयन के बाद आदित्य राज काफी उत्साहित है और कहा कि यह कप जीतकर अपने जिले का नाम पूरे दुनिया में रोशन करेंगे। तैयारी कैसे है? तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। मुजफ्फरपुर को मेडल मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी ओर आदित्य राज की सफलता में उनके कोच राहुल श्रीवास्तव काफी प्रसन्न है। मार्शल आर्ट ये हमारा पहले से प्लान था। हम लोग सोचते थे कि यहाँ से बाहर, हमेशा हम लोग चेन्नई और मुंबई पे आश्रित रहते थे खेलने के लिए। आज हमने मुजफ्फरपुर में ऐसा प्लेटफॉर्म दिया और यहाँ पे बहुत ही हर्ष की बात है कि पूरे बिहार से बेहतरीन बच्चों को हम ला रहे हैं। ये आदित्य राज जो कि यहाँ का नहीं है, ये सारण जिले का है। सुप्रिया चौधरी हमारे पास है जो कि बेगूसराय जिले से है, वो यहाँ पे मुजफ्फरपुर में रह के कराटे कर रही है। हमारे साथ में हमारे क्लब में आती है रासबल मार्शल आर्ट के, मैंने यहाँ पे इसके तत्वाधान में ये लोग कर रहे हैं और इन लोग का प्रैक्टिस बहुत ही बेहतरीन है। समय समय पे हम भी खुद से अपग्रेड करते रहते हैं और बहुत ही खुशी की बात है मुजफ्फरपुर से यह हमारा तीसरा चैंपियन निकलने वाला है। अगले भी सीजन में मैंने मलेशिया ले गया था अमित कुमार को, उसके बाद से उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल आया था। फिर अलौकी को ले गया था बैंकॉक, उन्होंने गोल्ड मेडल आया था। और इस बार हमारी तैयारी है आदित्य के लिए जो कि UAE जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं। ये टूर्नामेंट जो हमारा है 2 और 3 मई को है, तो फिर उम्मीद करते हैं आदित्य की प्रैक्टिस अच्छी है, उम्मीद करते हैं कि हम लोग फिर से भारत को गौरवान्वित करेंगे, फिर से एक बार तिरंगा लहराएंगे तो दुबई में, और बिल्कुल प्रयास रहेगा गोल्ड लेकर ही वापस आएंगे। मिठनपुरा स्थित जुब्बा सनी पार्क में द स्पाइनल फाउंडेशन द्वारा रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोग पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मिठनपुरा स्थित जुब्बा सहनी पार्क में द स्पाइनल फाउंडेशन द्वारा रीढ़ की हड्डी से होने वाली परेशानी विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोग शामिल हुए। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि रीढ़ की हड्डी में अगर कोई समस्या होती है तो उसे तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए ताकि समय पर उचित इलाज हो सके। आज का कार्यक्रम शुरू करने का मेन पर्पस है कि जो भी लोग घर में बैठे हुए हैं उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए ताकि वो स्वतंत्र रूप से अपनी लाइफ को जी सकें। और वो जो समाज में लोग बेचारा समझते हैं, सिंपैथी देते हैं कि बेचारा सर क्या हो गया, पिछले जन्म में कुछ कर्म किया, तो हम ये मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति को जन्म होता तो वो रेंग भी नहीं सकता और कहीं न कहीं एक ऐसी अवस्था आएगा तब वो लाठी या व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ेगा। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कोई बीमारी नहीं है, यह कभी भी किसी के साथ हो सकता है, या एक एक्सीडेंट से होता है या एक हादसा से ही होता है। तो अगर हम सही से लोगों को पता नहीं रहने कारण सही जगह नहीं पहुंचते हैं और उनको गलत तरीके से इलाज होता है तो जो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए वो भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम लोग का पर्पस है कि जगह जगह हम छोटी छोटी मीट ऑर्गेनाइज करें ताकि हर एक के पास इतना सक्षम नहीं है कि, और जो सक्षम लोग भी हैं जो अपने इलाज में इतना पैसा बर्बाद कर देते हैं कि वो पटना नहीं पहुंच सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो हम छोटे छोटे लोकेशन ढूंढते हैं और उस एरिया में पता करते हैं कि कितने लोग हैं, उनको बुलाते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं, बताते हैं कि कैसे लाइफ जी सकते हैं और आपका जो प्रॉब्लम है कैसे सोल्व हो सकता है।
और आज के खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए खबरों के साथ, तब तक दीजिए सिटी न्यूज परिवार को इजाजत, नमस्कार।